तो भाई आप सभी ने थिएटर में जाके मूवी तो जरूर देखी होगी। आपने चाहे कंप्यूटर में मोबाइल में कितनी मूवी देख लो, लेकिन जो थिएटर में मूवी देखने का मजा आता है वो अलग ही होता है। लेकिन भाई जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर थिएटर है ही नहीं, लगभग 100 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें मूवी देखने के लिए, कोटा में जाना पड़ता है वहाँ पर हमें मूवी देखने के लिए मिलती है। तो भाई इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर निकाला है कि हमने एक यहाँ पर छोटा सा प्रोजेक्टर बनाया है और इसका जो कॉस्ट आया है लगभग 15 रुपए में बनके तैयार हो चुका है। भाई तो भाई इसको मैंने कैसे बनाया है यहाँ पर आप देखने वाले हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चालू कर दे इस वाली वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नो तो सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो गाइस हमारा प्रोजेक्टर बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं प्लास्टिक शीट का यूज करने वाला हूँ। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने कुछ पीसेस को कट किया है जिसकी साइज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप उनको फॉलो कर सकते हो, या फिर आपका मोबाइल बड़ा है या फिर छोटा है तो अपने अनुसार भी इनको कट कर सकते हो। अब यहाँ पर जितने भी पीस है इन सभी को मिलाकर यहाँ पर एक बॉक्स बनाने वाला हूँ मैं, और यहाँ पर ग्लू गन का यूज करूंगा। फटाफट से आपका टाइम बचाते हुए मैं यहाँ पर काम खत्म कर देता हूँ इसका, ठीक है गाइस। तो फाइनली हमारा बॉक्स यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। अगर आपके पास जूते चप्पल का बॉक्स है, आप ट्रायल करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो इजीली यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक मैग्नीफाइंग लेंस लेने वाला हूँ। आप सभी बचपन में इसमें जरूर खेले होंगे। इसमें क्या होता है, छोटे अक्षर को बड़ा करके हम देखते हैं, या फिर सूरज के सामने रखकर इसे आग भी लगाई होगी आप सभी ने। तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे गाइस, और आपको ध्यान रखना है मार्केट से लेते समय कि इसके अंदर जो है ये ग्लास ही होना चाहिए, प्लास्टिक का भी आता है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है ग्लास होना चाहिए, और इसकी जो रेट है मैं लेके आया हूँ ये 15 रुपये का मुझे मिला है। मार्केट में और भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो ग्लास होना ही चाहिए हमें, और प्लास्टिक वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि इसके अंदर से जो ग्लास है उसको निकाल लिया टेम्परेली अभी कुछ टाइम के लिए, और हमारे बॉक्स के सामने की साइड में यहाँ पर इसको रखूंगा इस टाइप से, और मार्किंग लगा दूंगा एक। अब हमें इतना बड़ा एक होल करना होगा इसके अंदर। तो गाइस फाइनली हमारा होल होने के बाद में हमें इसको कांच को वापस से फ्रेम के अंदर लगाना है, और इसका जो हैंडल है वो मैंने चाकू से कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस होल के आगे की साइड में इस लेंस को लगाना होगा। तो यहाँ पर ग्लू गन का मैं यूज करूंगा और इसको अच्छे से चिपका दूंगा। फाइनली गाइस हमारा यहाँ पर जो है लेंस लग चुका है, और अब हमारा जो आधा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अंदर की साइड में क्या करना होगा, एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है उसको लगाना होगा। तो ये आपको किराने की शॉप पर इजीली मिल जाएगा, या फिर जनरल शॉप जो होती है वहाँ पर इजीली मिल जाएगा मार्केट में। और अब यहाँ पर 10 रुपए की मैं फेविकोल की डिब्बी लेके आया हूँ, और इसके अंदर फेविकोल लगाएंगे और उसके ऊपर एल्यूमिनियम जो फॉइल होती है हमारी वो चिपका देंगे। फाइनली गाइज आप देख सकते हो कि मैंने किनारों पे भी लगा दिए और दोनों साइड में भी इसमें लगा दिए, आगे और पीछे की साइड में हमें लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल। तो फाइनली यहाँ पर हमारे एल्यूमिनियम फॉइल लगने के बाद में हमारे मोबाइल स्टैंड बनानी होगी अंदर की साइड में। तो गाइज हम डायरेक्टली मोबाइल को इस टाइप से भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल को आगे पीछे में हमें मूवमेंट करवाना होगा, हमें यहाँ पर फोकस करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक मोबाइल स्टैंड बनानी होगी हमें। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ पीसेस कट किए हैं इसके, 4 पीसेस, और इनके द्वारा ही यहाँ पर मैं एक सिंपल सा मोबाइल स्टैंड बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सबसे पहले एल टाइप में यहाँ पर लगा दूंगा इसको, दोनों पीसेस को, और दोनों साइड में यहाँ पर 2 टुकड़े और लगा दूंगा। जैसे हमारे घर के अंदर सोफा होता है ना, उसी टाइप से यहाँ पर मैं एक सोफा बनाने वाला हूँ हमारे मोबाइल के लिए। तो ये सिंपल सा एक जुगाड़ है जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मोबाइल स्टैंड किस टाइप से बनाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है स्क्रीन के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फाइनली गाइज हमारा मोबाइल जो है यहाँ पर अच्छे से लग चुका है इसके अंदर, हमारे मोबाइल स्टैंड के अंदर। फ्रेंड्स अब हमारा जो बॉक्स है, इस बॉक्स के पीछे की साइड में एक होल करना होगा हमें। होल होने के बाद में हमारे जो मोबाइल स्टैंड है उसको अंदर की साइड में रखना है हमें, और उसके बाद में यहाँ पर एक पाइप लेना होगा। तो आप देख सकते हो नल फिटिंग की शॉप पर आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर आप कबाड़े के अंदर से भी ले सकते हो इस टाइप का पाइप, या फिर कोई लकड़ी का भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। अब हमें इस होल के अंदर से इस पाइप को डालना है और मोबाइल स्टैंड को इससे ग्लू से चिपका देना है। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा जो पाइप है इसको मैं आगे पीछे करके हमारे मोबाइल स्टैंड को भी आगे पीछे कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे हमारा फोकस जो है उसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। फाइनली गाइज अब हमारा जो प्रोजेक्टर है इसको हम पैक कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने प्लास्टिक शीट कट करी है, और उसके नीचे की साइड में मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल को लगा दिया है।
पीछे की साइड से यहाँ पर मैंने हमारी जो सीट है उसको थोड़ा छोटा कट किया ताकि पीछे की साइड में हम ढक्कन बना सके एक। तो सबसे पहले हमारे आगे वाली जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पर पैक कर देंगे ग्लूगन के द्वारा। अब यहाँ पर पीछे की साइड में एक ढक्कन बनाना होगा, तो यहाँ पर एक शीट रख देंगे हम इस टाइप से कट करके और उसको यहाँ पर टेप के द्वारा चिपका देंगे, जिससे एक यहाँ पर कब्जे टाइप का बन जाएगा। जब हमारा इस पीछे वाली शीट को हम उठाएंगे तो मोबाइल को अंदर की साइड में रख सकते हैं या फिर बाहर की साइड में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको टेप से कवर कर दूंगा ताकि हमारा जो ढक्कन है ऑन और ऑफ हो सके। यहाँ पर हमारा जो ढक्कन है अच्छे से काम कर रहा है, हम इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल को निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। तो फाइनली हमारा पूरा प्रोजेक्टर यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है और आप देख सकते हो आगे की साइड में हमारा लेंस लग चुका है, पीछे की साइड में हमारा जो यहाँ पर फोकस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने एक पाइप लगाया है। अब हमें क्या करना होगा, मोबाइल इस अंदर की साइड में रखना होगा। तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल है उसको लेना है, उसकी जो ब्राइटनेस है उसको फुल करना है आपको, ठीक है। लो ब्राइटनेस पे आपको यहाँ पर इसको नहीं चलाना है वरना आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। उसके बाद आपका जो वीडियो चला रहे हो आपको ध्यान रखना है कि हाई क्वालिटी वाली होनी चाहिए। लो क्वालिटी वाली रखोगे तो उसमें जो है आपका मतलब बहुत ज़्यादा बेकार वीडियो चलेगी इसके अंदर। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हाई क्वालिटी में सेट करना है। जैसे आप देख सकते हो मैं यूट्यूब पे वीडियो चला रहा हूँ या फिर इसके बाद में हम मूवी भी चालू करेंगे इसके अंदर, तो उसको हाई क्वालिटी वाली होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इसके अंदर आरआर मूवी चालू करेंगे कुछ टाइम बाद, आप देखिए लास्ट में, तो उसके अंदर जो हमारी हाई क्वालिटी की हम HD मूवी में इसमें चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोबाइल को अंदर साइड में सेट कर देंगे। और आप बोलोगे कि इसके अंदर जो साउंड का क्या होगा, तो गाइस साउंड आप इसमें फुल कर दीजिए या फिर आपके घर में होम थिएटर तो उसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे हमारा जो है पूरे घर के अंदर पूरा थिएटर का ही मज़ा आने वाला है। तो हमारा मोबाइल को इस टाइप से रखेंगे और हमारे यहाँ पर ऑफ कर देंगे। अब आगे की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आरआर मूवी लगा रखी है और इसके अंदर जो हाई क्वालिटी में चल रही है हमारी मूवी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छी क्वालिटी में आ रही है, अंदर की साइड में दिख रहा है लेंस में। अब आगे की साइड में जो दीवार है कितनी दूरी साइड में आप देख सकते हो, थोड़ा दूर रखना है इसको। और हमारे जो घर के अंदर बहुत सारी लाइट है जिससे आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि हमारे जो स्टूडियो है उसके अंदर बहुत सारी लाइटें हमें चालू करनी होती है जब हमारा कैमरा शूट कर पाता है। तो हमने यहाँ पर जो है लाइटें सारी की सारी बंद कर दी है और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे जो यहाँ पर घर को हमने एक थिएटर बना दिया है और अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर देख सकते हो हम पूरा मूवीज देख सकते हैं इसके अंदर। और अभी जो गाइज आपको मैंने दिखाया कि हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, क्योंकि हमारा जो कैमरा होता है लो लाइट में अच्छे से शूटिंग नहीं कर पाता है, लेकिन अभी पूरा का पूरा अंधेरा है इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अंधेरे में जो कैमरा है अच्छे से क्लियरिटी नहीं दे पाता है। लेकिन आप अगर रियल में इसको घर पे बनाओगे और उसके बाद आप घर पे देखोगे तो इसकी जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारा लेंस है वो हमारा ओरिजिनल लेंस होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो आप जो भी वीडियो लगा रहे हो, जो भी आप मूवी लगा रहे हो, उसकी क्वालिटी वो हाई होनी चाहिए। और तीसरी बात कि हमारे इसके अंदर जो इसका मोबाइल का ब्राइटनेस वो फुल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसको तो आगे पीछे करके थोड़ा एडजस्ट भी करना होगा, जिससे हमारी जो अच्छे से यहाँ पर फोकस हो सके। और आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्टर काम कर रहा है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो हम मूवी देख रहे हैं इसके अंदर, और अगर आपको भी देखना हो तो बना लीजिए इसको, और ये 100% काम करता है अच्छे से। और अगर आपको अभी वीडियो में इसकी क्वालिटी कम दिख रही होगी, लेकिन मैं इसको रियल में जब देख रहा हूँ गाइस बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। तो भाई आप सभी ने देखा भी कि हमारा जो घर है अब यहाँ पर थिएटर बन चुका है, और हमारे जो मोबाइल की इतनी सी स्क्रीन होती है ना उसको हमने इतना बड़ा कर दिया यहाँ पर, और भी आप बड़ा कर सकते हो। आप इसमें लेंस जो है बड़े वाला भी लगा सकते हो, यहाँ पर मैंने छोटा वाला लगाया ताकि इसका कॉस्ट कम आए, लगभग 15 रुपये के हमारा कॉस्ट आए इसके अंदर। आप बड़ा वाला लगाओगे तो इसमें और बड़ी स्क्रीन भी हो सकती है आपकी। और आप कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। इसमें क्या है कि मैंने जब वीडियो शूट करी अंधेरा था पूरा का पूरा एक, तो दूसरी बात क्या है कि मतलब अंधेरे में वीडियो शूट होती नहीं है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर आप अंधेरे में रियल में इसको बनाकर जब देखोगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने वाली है आप सभी को, ठीक है। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।